Welcome back to my channel, Go Yufe. हाँ, हेलो यूफे, गो हॉरर, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ. यूफे, तुम क्यों रह रहे हो? क्या तुम अभी भी घर नहीं गई थी? क्या हुआ? वो घर, उस घर में कोई जगह नहीं है मेरे लिए. क्या हो गया यूफे? डरो मत, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ. आ रहा हूँ. थैंक यू हॉरर. गो थैंक यू बिच. जब मैं जैन होरों की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम सर्वाइव ना कर पाओ. ओह माय, यूफे का एक्सप्रेशन कितना स्कैरी है. यहाँ पे अभी और है क्या? यहाँ पे और है. वो देखो देखो, वो आ गया. यूफे, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हो गया? ये मेरे डैड थे, क्योंकि मेरी बहन ने उन्हें बताया कि मैंने कुछ घटिया चीज़ करी है. क्या वो तंकी ऐसे कैसे कर सकती है? क्या तुमने अपने डैड को एक्सप्लेन नहीं करा? वेल, कुछ नहीं हो सकता. मेरे डैड ना सिर्फ मेरी बहन की सुनते हैं. मेरे डैड बिलीव कर रहे थे जो भी मेरी बहन कहती है. जब तक वो मेरे बारे में कुछ बताएगी, वो मुझे मारते हैं, चाहे सच हो या ना हो. यूफे, मेरे साथ आओ. यूरैंग, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं इतने अनरिजनेबल घर जाने की. मेरे साथ आओ. हाँ, ये फंस गया. यूरैंग, बट मैं उन्हें ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती. आफ्टर ऑल, वो मेरी फैमिली है. यूफे, तुम बहुत काइंड हो. इसीलिए तुम्हारी बहन तुम्हें परेशान कर रही है. अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा. गो थैंक यू, तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करेगी. थैंक यू यूरोंग. क्या यूफे ऐसे कैसे कह सकती है? तुमने इसे इतना अच्छे से ट्रीट करा, ये ऐसी बकवास कैसे कह सकती है? क्यों नहीं, सिर्फ इसने इतनी हिम्मत नहीं करी कहने की, बट इसने हिम्मत भी करी एक्शन लेने की. एक्शन? थैंक यू. क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ करा है? ये ठीक है, नहीं अभी सब कुछ हो चुका है. अब मैं उसे अब से ऐसे जाने नहीं दूंगी. थैंक यू. अंकल गो के बारे में क्या 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 तुम उन्हें सच बताने वाली हो? अभी नहीं, मेरे डैड के ना हार्ट प्रॉब्लम है. मैं उन्हें ऐसे नहीं कुछ करना चाहती. थैंक यू. तुम्हें अब दूसरों के बारे में नहीं केयर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. मैं जानती हूँ, चिंता मत करो. मैं ना अब बचा फिस नहीं रहूँगी. और थैंक यू. मैं सच में नहीं सह पा रही, मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है. वो अनग्रेटफुल फॉक्स भी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती है ये सब? को ठीक है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, है ना. चलो वापस चलते हैं मेरे डैड को चेक करने के लिए. और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कंपनी दो होटल जाने के लिए, मेरा मोबाइल लाने के लिए. ओके, क्या आप श्योर हैं यहाँ है? हाँ, रूम 2430. ओह, वो 12th फ्लोर पर, जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था. तो मोस्ट एक्सपेंसिव होटल शेंग सिटी में कैसे अफोर्ड कर सकती हो? अभी टर्न आउट हुआ कि तुम्हारे पास शुगर डैडी है. तुम भी फिर से कहो, मैं तुम्हें तुम देखो पछताऊँ ना. शाह है, शांत हो जाओ प्लीज़. क्या तो आप प्लीज़ फिर से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बचा हुआ है या नहीं रूम 2430 में? सॉरी नो. हे, तुमने तो कुछ पूछा भी नहीं. अगर तुम अपना मोबाइल यहाँ पे छोड़ भी गई तो यहाँ पे सिर्फ कचरा ही होगा. ये शायद क्लीनर ने फेंक दिया होगा. पास श्याम, जाने दो. बट तुम्हारा फ़ोन से जाने दो, हमें इससे आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, ओके, चलो चलते हैं. शाह है, हाँ, क्या इत्तेफाक है? तीन, ये सच में तुम हो? क्या हुआ? श्याम, क्या हुआ? तेंग, मेरी सुनो, मेरे फ्रेंड ने ना उसका मोबाइल यहाँ लास्ट नाइट खो गया था. बट इंसान हमें अलाउ नहीं करा चेक करने के लिए, और इसने बुरी चीज़ें भी कह रही है हमसे. तुम किस पे उंगली उठा रही हो? वो 20th फ्लोर है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता. वापस जाओ और अपने आप को ना मिरर में देखो. अपने आप को एम्बेरस मत करो. हम यहाँ जल्दी से देखना चाहेंगे. मैंने तुम्हें ना बोल दिया, मैं सिक्योरिटी को बोलूँगी अगर तुम ऐसे करते रहो तो. वाह, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं भेजी. ये क्या, हम अब जा सकते हैं? तुम्हारे पास गोल्डन कार्ड है एम्पायर होटल का. ये कितना अच्छा फील हो रहा है, ये कितना अच्छा फील हो रहा है. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोल्डन कार्ड वाले कस्टमर को डांटने की? क्या तुम नौकरी से निकलवाना चाहती हो? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो. वो डिज़र्व करती है पनिश्ड होना, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा कर रही थी. बट यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है इस रूम में. तंग, अब हम क्या करने वाले हैं? आई सपोज मुझे न्यू वन लेना होगा. आई होप मेरा जो फ़ोन है ना वो आदमी नहीं लेकर गया हो. श्या, क्या तुम हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले? ऑल राइट, मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते. ये है गो, थैंक यू, मेरी बेस्ट फ्रेंड. ये ना फ्यूचर स्टार है यूनिवर्स इंटरटेनमेंट का. श्या, मेरा मजाक बनाना बंद करो. ये है ओ तैंग, फाउंडर है सी ऑफ तैंग कल्चर का. हेलो, मैं श्या का बॉयफ्रेंड हूँ. बॉयफ्रेंड? हे, तुमने ये सब ऐसे ही बता दिया? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानती? कब से? थैंक यू, मुझ पर गुस्सा मत करो. हम बहुत समय से एक साथ नहीं हैं, तो मेरे पास चांस नहीं था तुम्हें बताने के लिए. चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ. वरना मैं अब खुशी होने के अलावा कुछ कर नहीं सकती. जब मैंने सुना है कि मिस यू को ऑलरेडी किसी ने ले लिया, ये शेम है कहना. बट श्याल है ना, वो मेरा ध्यान रखते इस समय.
और मैंने फोकस करा था मेरी न्यू फाउंडेड कंपनी में। मैं ग्लैड हूँ कि तुम्हें जानते हो, तुम्हें मेरी कंपनी आकर मेरी मदद करने की ज़रूरत थी। जब कंपनी में कुछ पैसे आएगा ना, मैं सब कुछ तुम्हारा ठीक कर दूंगा। श्योर? तो फिर मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारी कंपनसेशन का। ओह थैंकिंग, बहुत लेबल लग रहा है। तो श्योर और लेके जो न्यू जॉब है वो उसकी कंपनी में, क्या इसका कुछ लेना देना है? वो जो डेथ थी श्याल के मेरी पहली वाली लाइफ में। श्याल, मैं तुम्हें कुछ बचाना चाहता हूँ। वो क्या है? क्या तुम मुझे आज डिनर पार्टी में कंपनी दोगे? ऑफकोर्स मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुम नहीं चाहती तो। वेल, मैं करेंटली जाऊँगी, सिंस तुमने मुझसे पूछा है। थैंक यू। तुम्हें मैं ज्वाइन क्यों नहीं करती? आज आते जो गेस्ट होंगे ना, वो सारे यूनिवर्स इंटरटेनमेंट से होंगे। ये सही है, तुमको हमारे साथ आओ। यूनिवर्स इंटरटेनमेंट प्रेजेंट टाइम नहीं आएंगे, बट यहाँ पे दूसरे सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे और ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर तुम उन्हें एडवांस में जान लो तो। अगर थैंक्स यू नहीं आएगा तो ये तो ठीक होगा। थैंक यू, आ जाओ, मैं बहुत बोर हो जाऊँगी अगर मैं अकेली जाऊँगी तो। वेल ओके, मैं श्योर ही सक्सेस हो गया आज अगर थैंक यू आएगी तो। तो फिर तुम हमारा ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करोगे? मैं आज तुम्हें किसी दिन डिनर ट्रीट करूँगा। हाँ, मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ करें। ये समय मैं होटल को कॉल करता हूँ, कहते हैं एक और सीट ऐड कर रहे, तो तुम्हें पहले रूम में चले जाना चाहिए। ओके थैंक यू, सी यू लेटर श्योर। हाँ, क्या सक्सेस थैंक यू बता रहा था अलास, तुम्हें इतनी सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर है, ये ना तैयार ने होस्ट करा है, ये कंसर्न करता है बहुत सारी कंपनी के फाइनेंसिंग के बारे में। तो फिर मुझे क्यों थैंक कर रही हो? मैंने सुना था जो होस्ट है ना, वो एक गुड इंप्रेशन छोड़ सकता है इन्वेस्टर में अगर वो ब्यूटी लेकर आता है डिनर पे। ओह, और जो चांसेस है ना इन्वेस्टमेंट मिलने का, वो बहुत हायर होता है। आई सी, तो मैं तुम्हारी ब्यूटी हूँ। वाले एक फेवर समझ लो मेरे लिए, ये ना मेरी पूरी ज़िंदगी भर की हैप्पीनेस से रिलेटेड है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी बाद में। फाइन, मैंने नहीं कहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, जो एलिवेटर है यहाँ आ चुका, चलो चलते हैं। तीन मैं जानती हूँ थैंकिंग बेस्ट है। देखो तो तुम्हारे पास कैसी बातें कर रही हूँ। 15 मिनट बाद, मिस्टर थैंकिंग सीसीटीवी फुटेज है 24th फ्लोर के एम्पायर होटल में। गुड थैंकिंग, मैं देखना चाहता हूँ तुम कहाँ गए थे। मिस्टर थैंकिंग, यहाँ पे एक और चीज़ है जो शायद आप जानना चाहेंगे। वो क्या है? मुझे न्यूज़ आई है एम्पायर होटल से, अभी भी यहाँ पे एडिशनल गेस्ट एज टू आए बिजनेस डिनर पार्टी में आजत, और उसका नाम है गुड थैंकिंग। किसने डिनर रखा है? वो इसे क्यों अटेंड करेगी? जो डिनर पार्टी है ना, वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है चेयरमैन इन से और होस्टेड करी है उसे सीईओ टैंग कल्चर ने। और क्यों मैं इसको अटेंड कर रही हूँ? मैंने भी इन्वेस्टिगेट नहीं करा। क्या ये इवेंट है मेरे शेड्यूल में? नहीं, आपने इसे कल रिजेक्ट कर दिया था, इसे वापस ऐड करो और चेयरमैन को बताओ कि मैं वहाँ आऊँगा। बट मिस्टर टैंग, आपके अपॉइंटमेंट है ब्रिटिश ब्रांच के साथ, अभी के लिए कैंसिल करो। समझ गया, मैं अभी अरेंज करता हूँ। गुड थैंकिंग, तुमने अपने आप को मैन फेफेंग के आर्म्स में डाल दिया था, और इस समय मेरे बैट से उतरने के बाद तुरंत ही बहुत सारे आदमी के साथ एक ही साथ खेल रही हो। बहुत अच्छा फील, प्राउड कर रही होगी ना? तुम सिर्फ एक डिस्पेंसेबल औरत हो मेरे लिए, मैं देखता हूँ तुम कितनी कैपेबल होगी। एम्पायर होटल है, क्या तुमने सुना है जो एक्ट्रेस है ना मिस्टर टैंग के बैट पर गई थी लास्ट नाइट? रियली, मुझे लगा था मिस्टर टैंग औरतों को पसंद नहीं करते। इतने रिडिकस मत बनो, वो मॉन्क नहीं है, ये सिर्फ मिस्टर टैंग ना ऑर्डनरी औरतों को पसंद नहीं करते। तुम्हारा मतलब जो औरत लास्ट नाइट उनके साथ सोई थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है? और मोस्ट अकली अफवाह कहती है वो स्टर्निंग है। वो एक न्यू एक्ट्रेस लगती है यूनिवर्स इंटरटेनमेंट की, मुझे याद है उसका फैमिली नेम गो है और उसका पूरा नाम राइट गु युफे। गु युफे, मैं समझ गई। ऐसा लगता है कि मैंग फेफे सही थी, कोई भी नहीं जानता क्या हुआ था मेरे और थैंक्स के बाद अभी के लिए। हाँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा सोचना होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना यूनिवर्स इंटरटेनमेंट के साथ। सॉरी मैं लेट हूँ, यहाँ चल क्या रहा है? मुझे लगा था कि ये नहीं आ रहा। क्यों तुम यहाँ क्यों हो? थैंक्स थी थैंकिंग, तुम फाइनली आ गए शाली, अंदर आ जाओ। हाँ, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे? क्या तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रही हो? नहीं मैं ठीक हूँ। क्या दूसरे फीमेल गेस्ट है जो तुम अपने साथ लाए हो? ताएंगे, ये बहुत खूबसूरत है, ये टॉप फैशन डिज़ाइनर है, इन जीली और थैंग का चाइल्डहुड फ्रेंड है। तुम अंदर क्यों नहीं आती? मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो, ये गु थैंकिंग है, शान की क्लासमेट है और क्लोज फ्रेंड है इसके आर्ट स्कूल से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये है और तैयार डिनर पार्टी, ये गु थैंक की डिनर पार्टी है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है राइट? थैंक यू, अपने आप को पुश मत करो अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। चिंता मत करो, अगर इसके वजह से नहीं होता मुझे शैलू के लिए करना होगा। उन पार्टी को ये मिस्टर टैंग है, प्रेसिडेंट है यूनिवर्स इंटरटेनमेंट के। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर टैंग। हाँ, ये शितेंग क्या करने वाला है? हेलो, मैं टैंग शितेंग हूँ। थैंकिंग, शांत हो जाओ गु थैंकिंग, ये सिर्फ एक हैंड शेकिंग है। हेलो मिस्टर टैंग, तुम थैंकिंग
इसे दिल पे मत लो मिस्टर तैंग, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने सुना था तैंकिंग एक यूनिवर्स एंटरटेनमेंट के साथ साइन करने वाली है, प्लीज़ इसका अच्छे से ध्यान रखना मिस्टर तैंग। नो प्रॉब्लम तैंकिंग, मिस्टर तैंग को थैंक करो। थैंक यू मिस्टर तैंग। ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो गलत है। क्या ये वो तो नहीं लास्ट नाइट वाले तैंकिंग? बहुत सारी जो न्यू फिल्म्स है ना वो कमेंट हो रहे हैं यूनिवर्स एंटरटेनमेंट में, अगर तुम कुछ रोल्स चाहते हो तो मिस्टर तैंग को उसके बारे में बता सकती हो। थैंक यू मिस्टर ये, बट मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं यूनिवर्स एंटरटेनमेंट में साइन नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्स इंटरटेनमेंट्स के साथ साइन अप नहीं करूँगी। क्या ये यूनिवर्स इंटरटेनमेंट का साइन अप नहीं करेगी? क्या समझ लिए इसने अभी क्या मना करा है? ओ तुम्हारा मतलब है कि तुम यूनिवर्स इंटरटेनमेंट के साथ साइन अप नहीं करोगे? हाँ, यूनिवर्स इंटरटेनमेंट के पास बहुत सारे अलाइट्स हैं और मैं उसके लिए अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। हाँ तुम उसके लिए काबिल नहीं हो? हाँ तुमने मुझे सही सुना है, मैं समझ गया। ओ यहाँ तक तुम्हारा जो फ्रेंड है ना वो स्पेशल है, वो मुझे इन सब के सामने शर्मिंदा कर रही है। वेल मैं श्योर हूँ कि तैंकिंग सिर्फ मजाक कर रही है। शायद हाँ, प्लीज़ मेरी मदद करो तैंकिंग को मनाने के लिए। क्यों? ये तैंकिंग का बिजनेस है, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करूँगी। कम ऑन, ये ऑब्वियस है कि मिस्टर तैंग चाहते हैं कि मैं गु तैंकिंग को मनाने में उससे मदद करूँ। मेरी कंपनी अभी भी मिस्टर तैंग के इन्वेस्टमेंट पर चल रही है। इंटरेस्टिंग, इवन सो हम अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा नहीं है बिल्कुल भी, तैंकिंग के बहुत प्राइवेट फीचर होगा मिस्टर तैंग के साथ। शायद में बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बकवास अब सुनना नहीं चाहती। तैंकिंग चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। शायद में तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। हाँ ओवर, अगर तुम्हारे पास एक हैप्पी फ्यूचर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कौन सी कंपनी में साइन करती। शायद मैं अभी नहीं जा सकती, बट तैंकिंग वो मिस्टर तैंग तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ये ठीक है? मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी लड़की ने भी उसकी साइड चूज़ करी। मुझे माफ़ कर दो, उसने जल्दबाजी में ऐसा एक्ट करा। मैं मेक श्योर करूँगा कि वो मुझे माफ़ कर दो मेरे रूडेंस के लिए। पहले प्लीज़ मेरी माफ़ी एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर तैंग। आई होप कि आप मुझे माफ़ कर पाएँ। तैंकिंग तुमने पता लगा लेना, मैंने दोबारा सोचा मैं आपको रिप्लाई देने के लिए। क्या सब कुछ ठीक है? ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। क्यों तुम कैस का इंतज़ार करिए, जाओ और मिस्टर इनके लिए वाइन डालो। मिस्टर तैंग तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए तैयार है, इसे वेस्ट मत करो। शाओली के लिए मैं इसे एक लास्ट टाइम मदद करूँगी। मिस्टर तैंग क्या हम जितना भी हमारा डिस्प्लेजर था हमारे पीछे इस ड्रिंक के बाद पीछे छोड़ सकते हैं? हम इससे ड्रिंक के बाद बात कर सकते हैं। वंडरफुल, तुम्हारा सिंसियरिटी का है? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर तैंग इतने प्लीज होंगे सिर्फ एक ड्रिंक के साथ? हाँ ये सही है, क्या यही सब है तुम पे? हे यू, तुम सही हो, बट एक बिग फिल्म मिस्टर तैंग के साथ वो एक स्मॉल रोल मेरी तरह को माइंड नहीं करेंगे क्या? आप कैसे हो इसके बारे में मेरी सिंसियरिटी दिखाने के लिए? मैं उतना ही पीऊँगी जितना मिस्टर तैंग आज पीते हैं। ये सही नहीं, अगर मिस्टर तैंग एक ऑर्डनरी फिगर नहीं है तो वो स्ट्रॉन्गर होंगे एक वीक और से ज़्यादा मेरी तरह, राइट? वेल मैं सोच रही हूँ अगर मिस्टर तैंग ड्रिंक कर सकते हैं वाइन 3 times जितना मैं पीती हूँ उससे ज़्यादा। ये औरत मुझे टीस कर रही है। तैंग शिंग ड्रिंकर नहीं है, कितना हेरोइक है, कितना अच्छा साउंड कर रहा है। गु तैंग ने जो कहा इसके बाद दूसरे इसे एम्बेस करने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। ये मेरा टाइम है शॉप करने की। तैंकिंग सिर्फ फिटी नहीं है बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, मैं सच में उसे एडमायर करता हूँ। मिस्टर तैंग नहीं जानते कि लेडीज़ को कैसे चेरिश करते हैं, तो मेरे साथ क्यों नहीं ड्रिंक करती? तुम्हारा क्या मतलब है ये जीली? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम मुझे क्यों नहीं सिखा देते लेडीज़ को कैसे चेरिश करते हैं? हाँ मेरे अंदर हिम्मत नहीं है करने की, अपना समय इन्जॉय करो। ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तैंकिंग क्या तुम ठीक हो? ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें इसमें नहीं धकेलना चाहिए था। उस तैंग को फाड़ में जाए ना मैंड, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तैंकिंग एक्चुअली जो स्मॉल कंपनी मैंने कहा था ना, मैंने साइन करा पहले, ये तैंकिंग की कंपनी है। मैं तुमसे छुपाना चाहती थी बस, मैं तुम्हें मेरी जॉब के बारे में चिंता नहीं दिलाना चाहती थी। मैं जानती थी उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और तुम्हें साइन करना वो बेस्ट चॉइस था, बट तुम सिली गर्ल, तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना होगा सर। मैं समझ गई, मैं तैंग में बिलीव करती हूँ, वो ठीक होगा जब तक उसे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। हाँ ये क्या हो गया तैंकिंग? क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर है? यहाँ पे अच्छे लोग हैं आफ्टर ऑल। हेलो, तुम्हारे पास 15 minutes है लास्ट नाइट के रूम होटल रूम में आने के लिए। ये आवाज़ तुम कौन हो? मीन्स को ऐसा लगता है तुम्हारी बहुत याददाश्त बहुत बुरी है। क्या तुम अपना फ़ोन चाहती हो या नहीं चाहती? डैम इट, ये तंग शीटिंग है। तैंकिंग अच्छा तुम अच्छी लग रही। क्या वो लड़का जिसने तुम्हारा फ़ोन ढूंढा है क्या कुछ कह रहा है? ये ठीक है, मैं शेह को पता नहीं लगने दे सकती कि तैंक शिंग, वरना वो फिर से चिंता करेगी। थैंक यू मेरा फ़ोन ढूंढने के लिए, क्या आप प्लीज़ इसे रिसेप्शन काउंटर पे रख सकते हैं? मैं वहाँ बाद में ले लूँगी। क्या होगा अगर मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास वीडियो है हमारी लास्ट नाइट की, तो जिसमें तुम्हारे कॉन्टैक्ट में क्या लगता है मैं किसे भेजूँ?
क्या वीडियो? तुम्हारे पास 15 मिनट है, मेरे पेशेंट्स को चैलेंज मत करो। फाइन, मैं वहाँ जा रही हूँ अभी। थैंक यू कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। ये ठीक होगा, मैं खुद जा सकती हूँ, बट ये लेट हो रहा है, तुम्हें घर पहले जाना चाहिए। चिंता मत करो, अब मैं वैसे भी पहले की तरह नहीं हूँ। ऑल थॉट मैंने शैले के सामने बड़ी बड़ी बातें करी। थैंक यू, अभी भी 2430 यहाँ पर है। कम ऑन गो। थैंक यू, तुम किससे डर रही हो? तुम्हें सिर्फ अपना फ़ोन वापस लाना है। अगर इसने हिम्मत करी लाइन क्रॉस करने की तो मैं सुनूंगी। क्या? आउच, मैंने कहा 15 मिनट, तुम लेट हो। मुझे जाने दो, मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे वापस दो। लेट कमर्स के पास कोई हक नहीं है डिमांड करने का, तो फिर मैं अपना फ़ोन वापस कैसे लूँ? सब्र करो, हम पहले हमारे डील के बारे में बात कर सकते हैं। डील? कौन सी डील? वो लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में। मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि तुम अपना प्राइस नेम करो। तुम्हारा क्या मतलब है? वह मुझे प्राइस बताओ जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जो चाहे तुम बोलोगी। तो तुमने मुझे यहाँ आने के लिए बोला सिर्फ मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए? ह्यूमिलेट? मैंने सोचा था कि तुम, मैं ना सिंगल वर्ड इसको दूसरे के सामने, ना मुझे कोई पैसा चाहिए। अगर पॉसिबल है मैं तुम्हारा फेस दोबारा नहीं देखना चाहती थी। मेरी जो जो विश है ना, वो सिर्फ ये है कि तुम वो वीडियो डिलीट कर दो। जस्ट स्टूपिड हो रहा, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं उस चीज़ की वीडियो लूँगा? मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, और तुम्हें मेरे सामने एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट? ये क्या बातें कर रहा है? ऑर्डर में दोबारा रिट्रीट करने का एडवांस होने के लिए चूहे बिल्ली का खेल के लिए निकले? क्या तुम्हारी जो ट्रिक्स थी वो काफ़ी नहीं है? डायरेक्ट फोन पे आओ। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या? मनी, रिसोर्सेज, स्टेटस और या फिर पावर बैकअप? तुम आप कितने पीटफुल हो मिस्टर तैन। टर्न आउट हुआ कि आपको इस तरह के लोगों ने घेर रखा है, बट मुझे माफ़ कर दो, मैं उनमें से हूँ जो सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं। अगर यहाँ पे सामने कांटों भरा जंगल होगा तब भी तो मिस्टर तैंग। थैंक यू मेरा फ़ोन रखने के लिए। तुम आई होप हम एक दूसरे को दोबारा ना देखें। गु थैंकिंग। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा माइंड मुझे चेंज करवा सकती हो मेरे व्यू को अगर तुम ऐसा करोगी? जस्ट बहुत नेवा हूँ। अच्छा, क्या सर दर्द है? हाँ क्या ये अमराला? बारिश हो रही है ज़ोर से। थैंक यू फेफेन, सॉरी तुम्हें फिर से मैंने बुलाया। या तुम्हारा फ़ोन है, मैंने अपना ढूंढ लिया। मुझे ऐसा क्यों फील लग रहा है कि तुम बहुत एनक्शियस हो मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं तो सिर्फ एक और इंसान से एहसान नहीं लेना चाहती। वो फेवर रिटर्न करने के लिए, जो फेवर मैं लूँ उसे रिटर्न करना मेरे प्रिंसिपल्स में से एक है। अब मैं घर पर हूँ। थैंक यू तुम्हारे राइड के लिए, मैं वापस जा रही हूँ। बाय फेफियन। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू थी। वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है जो तुम टेस्ट में डिज़ायर करती हो। समय में मैं समझ नहीं पा रहा तुमने उसे क्यों मना कर दिया। इंडीड, कोई और शायद खुशी से उसे एक्सेप्ट कर ले, बट मैं जानती हूँ क्या होता है। वो इजी जो जिस चीज़ को हम इजीली ले लेते हैं ना, उस चीज़ को हम इजीली खो भी देते हैं। वेल, शॉर्टकट लेने से कंपेयर करते मैं प्रेफर करूँगी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करूँ। क्या इस तरह से ही तो तुम यहाँ तक आए हो? थैंकिंग, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ कि तुम्हारे पास वो अवेयरनेस है। फाइनली हो गया, क्या लंबा दिन था। चिप चिप डैड, डैड आप अभी जगे क्यों हो? थैंकिंग, क्या आप ठीक है? आप यहाँ पे क्यों बैठे पड़े हो और आपने लाइट भी चालू नहीं करी? मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ वेट कर रहा था यूफे का वापस आने का। क्या तुमने अपनी बहन को ढूंढा? गु यूफे जैंगुरैंग के साथ चली गई है, मैं उसे कैसे ढूंढूँ? थैंकिंग, जब तुम यूफे को ढूंढ लो तुम्हें उसे बताना होगा कि मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, उसे बता दो घर आने के लिए। ओके थैंकिंग, तुम सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, तुम्हें ना यूफे का फ्यूचर में ध्यान रखना होगा। मैं यूफे का इशू डैड को परेशान करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। डैड, आपको केयरफुल होना होगा अपने हेल्थ के बारे में। मुझे आपकी मदद करने दो आपको बेड तक ले जाने के लिए। ओके, चिंता मत करो यूफे। डैड, आपने कुछ घेर दिया, ये क्या है? ओह, ऑपरेशन डिमांड नोट है। डैड, ये क्या है? आपकी बॉडी? ये बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर ने कुछ बनाया है। जो डॉक्टर बहुत ड्रामा कर रहा था, ये सिर्फ छोटी सी डिसीज़ है। ज़्यादा मत सोचो, मैं पूरा ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डैड, चिंता मत करो, हम जल्द ही अमीर होंगे। गुड थैंकिंग, तुम अपना गोल थैंक शीतिंग की वजह से हार नहीं मान सकती। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हार्म से ज़्यादा अच्छी चीज़ से करता है ज़्यादा। जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगी मेरे पास पैसा होगा डैड को ठीक करने के लिए। यूनिवर्स एंटरटेनमेंट,
हाय मिस गु, हाय, प्लीज़ मेरे साथ आइए. ओके, ये गुड मॉर्निंग मिस्टर होंग. ऐसा लगता है गुफे ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है. शायद उसने तुम्हें सुना नहीं, वो अच्छा आदमी है. तुम ना, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम उसके लाइसेंस लोगे. लेसन? हाँ, यहाँ पे एक ट्रेनिंग लाइसेंस है न्यू कॉमर्स के लिए. यूजली जो लेक्चर है ना वो वेलनो सीनियर देते हैं, और इस समय ये हो रहा होगा. मैं समझ गई. वेल, मैं देखना चाहती हूँ आगे क्या होगा. यहाँ पर है, प्लीज़ अंदर आ जाइए. ओके, थैंक यू. सॉरी, मैं क्या, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या यहाँ पे कोई और है जो साइन करे इस पार्ट को मेरे अलावा आज? वेल, मुझे चेक नहीं कर लीजिए. एक्सलेंट, थैंक यू. तुम यहाँ हो? गो यू फे, मेरी डियर सिस्टर. मैं डर रही थी कि तुम मिस कर दोगे साइनिंग करना. गो यू फे, ये यहाँ क्यों है? और शक है सैंग, इस एटीट्यूड के साथ क्या होगा? थैंक यू. हम दोनों ही एक्ट्रेस हैं यूनिवर्स एंटरटेनमेंट की. अब से गो यू फैन ने ऑडिशन को भी पास नहीं करा था, तो ये साइन करने के लिए कैसे क्वालिफाइड होगी? क्या इसने जैन हेरोंग किससे मदद ली? गो यू फैन, तुम ये चाहते थे. यू फैन, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी. मुझे याद है कि तुमने ऑडिशन पास नहीं करा था. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम्हारे पास सच में बहुत सारी कनेक्शंस हैं. गो, इतने कॉकी मत बनो. तुम्हें बताऊँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे रिकमेंड कराया गया एक इन्फ्लुएंस एक्टर ने. जब तक मैं उसका नाम कहूँगी ये कोर बात कर रहे हैं. अंदर आओ. अपनी आवाज़ कम करो. सॉरी, हम आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम. हेलो मिस्टर सॉन्ग. हेलो मिस्टर सॉन्ग, आपसे मेरे नाम है ना गो यू फे, आपसे मिलकर अच्छा लगा. गो यू फे ने सीट चुराने की भी ज़रूरत है? कितने स्टूपिड फाइन ही तुम्हारी है. गो, थैंक यू. मैंने तुम्हें चूज़ करा है तो तुम इतनी दूर क्यों बैठ रहे हो? यहाँ बैठो. थैंक यू मिस्टर सॉन्ग, मैं आपको निराश नहीं करूँगी. इतना ऐसे मत बोलो, मैं बिलीव कर रहा हूँ जो मैंने देखा है. यस सर, तो क्या बड़ी बात है. ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट साइन करने से पहले मुझे कुछ कहना है. मैं केयर नहीं करता तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो. तुम्हें यहाँ देखते हुए तुम यहाँ पहुँच ही गए, तो तुम्हें मेरे एग्रीमेंट्स फॉलो करना होगा. ज़्यादा स्मार्ट करने की ट्राई मत करना, और ना मुसीबत खड़ी मत करना. अदरवाइज मैं तुम सब पछताओगे कि तुम इस फील्ड में आए क्यों. आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे केयरफुली पढ़ो और इसे साइन कर लेना अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस ना हो तो. गु, थैंक यू. तुम ही वो नहीं हो जिसके पास बेकअप है. ये लो तुम्हारे. अगर मैंने अपना बेकअप का नाम कह दिया तो सॉन्ग यूकिंग को भी चिल्लाने की ज़रूरत होगी. मैंने साइन कर दिया मिस्टर सॉन्ग. आप हमारे एजेंट ऐप से, राइट? तुम गुई फे? हाँ, ये मैं हूँ. आई गेस हॉरंग ने मेरे बारे में बताया होगा आपको. हॉरंग ने कहा था कि आप बेस्ट एजेंट इस इंडस्ट्री में, प्लीज़ मुझे एडवाइस देना फ्यूचर में. और ये लव फिर से चल हो गई. ये न्यू है, ये फर्स्ट टाइम है किसी ने हिम्मत करी है मुझे बताने की. ये यहाँ पे कुछ कनेक्शन से आई है. मैं जाओ सब लोग. तो सब लोग यूनिवर्स इंटरटेन में आ सकते हैं? हाँ मिस्टर सो, उसके मतलब नहीं था. वो तो सिर्फ क्या सोचते हैं कि मैं उसे रिस्पेक्ट दिखाऊंगा जैंग हॉरंग की वजह से? ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, बट मैं उसे ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती. मिस्टर सॉन्ग, आपने गलत समझा है, मेरे मतलब नहीं था. मेरी इतनी हिम्मत नहीं है. अपना प्लेन हटाओ यहाँ से, कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है एक्ट करने की. तुम जाओ और जैंग हॉरंग को यहाँ लेकर आओ. हाँ मैं समझ गई. बिना किसी सरप्राइज के इसने जैंग हॉरंग को यहाँ फंसा दिया. गुए फे, तुम कितनी स्टूपिड हो सकती हो. मिस्टर सॉन्ग, यू फे यू रंग मैं यू फे इतना नक्शस मत हो. मैंने उसे पता लग गया क्या हुआ. मिस्टर सॉन्ग, यू फे अभी भी यंग है, उसे नहीं पता कि प्रॉपरली कैसे बात करते हैं. मैं उससे माफ़ी उसकी जगह माफ़ी मांगता, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए. सैंग यार, तुम बहुत बोल्ड होते जा रहे हो. हाँ नहीं, ऐसा सच नहीं है. सॉन्ग इतना थॉट का आया है, ये बहुत हार्ड है स्मूथ करना. हाँ मैं बिलीव नहीं कर रहा कि गुतेंग उस पोजिशन में बैठी पड़ी है. सेंस सॉन्ग यानो उसे इतना वैल्यू करता है. मिस्टर सॉन्ग, थैंक यू. ना यूफे की बड़ी बहन है, वो जानते हैं वो बेस्ट किस तरह की इंसान यूफे है. ओह गु, थैंक यू. क्या तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम क्या करोगे? थैंकिंग मिस्टर सो, ये मेरी सिस्टर की गलती है, प्लीज़ उस पर गुस्सा मत करना. वो शायद नर्वस होगी इसीलिए उसने ये सब कहा. मैं वो उसी में बिलीव करता हूँ जो मैं देखता हूँ. गुए फिर रुक सकती है, ये अच्छा है. थैंक यू मिस्टर सो, बट उसे पनिश होना होगा. पनिश? उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे अभी होल्ड पर रखो. हम डिसाइड करेंगे इसे साइन करें या ना करें उसके फ्यूचर बिहेवियर पे. क्या मिस्टर सॉन्ग, वेट, डिसमिस. यू फे यू रंग, अब मैं क्या करूँ? ये ठीक होगा, मुझ पर भरोसा कर. गु, थैंकिंग, ये सब तुम्हारे वजह से. अगर तुम यू फैंग के लिए पहले बोलती थी तो ये सब इस पॉइंट तक नहीं होता. प्लीज़ इतने अनरिजनेबल मत बनो. गु फैन ने अपनी आप ही करा, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी मदद करने के लिए. तुम ही हो जितना अनरिजनेबल बन रही है. गु थैंक, तुमने मेरी अपॉर्चुनिटी फिर से ख़राब कर दी. तुमने वो चांस ले लिया
यूफे को फंसाने के लिए, बट सिंस तुमने जैंग उरांग को ऑफेंड कर लिया, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं तुम्हारे लिए यूनिवर्स इंटरटेनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। अगर तुम अनफेयर फील कर रहे हो यूफे के लिए, तुमने मिस्टर सोंग को अभी क्यों नहीं रोका? यू रॉन्ग, प्लीज अपने आप पे पहले रिफ्लेक्ट करो, दूसरों को खुशी देने से पहले। गु तांग तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे। यू रॉन्ग, गुस्सा मत करो, मेरी सिस्टर कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो जैंग उरांग, अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, इसका कुछ अच्छा नहीं होगा अगर तुमने यहाँ पे एक सीन क्रिएट कराता। मिस्टर शर्मा, सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आंखें ना खुली रखो, इस औरत किसी के लुक से पागल मत बनना। यू फैस, चलो ट्रेनिंग रूम में चलते हैं। ओके, थैंक यू। जैंग होने उसके वर्ड्स को दिल पे मतलब, मैं जानती हूँ। और अभी अभी तुमने गुफा की मदद क्यों करी? जैसा तुमने कहा था तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी मदद नहीं कर रही थी, मैं अपनी मदद कर रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है मिस्टर? मिस्टर सोंग मेरा सिर्फ एटीट्यूड चाह रहे थे। अगर वो इंसान उसका और उसके इमोशन छुपा नहीं सकते और एडवांटेज लेने देते हैं उसके और उसकी बहन की सफरिंग का। मिस्टर सोंग, इस तरह के इंसान को क्यों चाहेंगे? थैंक यू। ओके चलो चलते हैं, हम फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए लेट नहीं हो सकते। थैंक यू। मैं, मेरे पास एक और चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या हो गया? तुम आज वियर्ड बन रहे हो। उस पार्टी की रात में तुम पार्टी रात क्या हो गया इसके साथ? शक अशंग इसके बारे में जानते हैं। मेरे भाई ने कहा था कि तुम उससे मिलने के लिए खुद गई थी, क्या सच है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा मतलब है तैंग शितैंग, उसने कहा था। हाँ, मैं बिलीव नहीं कर रहा कि तुम इस तरह के इंसान हो, बट ये मेरे भाई के मुंह से आया था। थैंक यू। क्या तुम सच में जो तुम चाहती हो उसे पाने के लिए सब करने के लिए तैयार हो? शक अशंग, तुम जो चाहे वैसे सोच सकते हो, मेरे सिर्फ एक और चीज़ें कहने के लिए। मैं गु तैंकिंग कभी भी अपने आप को बेटर धोखा नहीं दूंगी मेरी पूरी ज़िंदगी। वेट, थैंकिंग, क्या तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हें दोबारा सस्पेक्ट नहीं करूँगा, मेरा इंतज़ार करो। क्या हो गया? पूरे राउंड में चिल्ला रहे हो, तुम्हारी मैनर्स कहाँ हैं? हेलो एवरीवन, ये वाला यहाँ तक। आई होप आप सबको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।